आज हमारे पास है ओप्पो A31 का 2 बॉक्स, और एक जो है यहाँ पे आपको आता है मिस्ट्री ब्लैक कलर में, और ठीक दूसरा देखे तो यहाँ पर आपको आता है फैंटेसी व्हाइट कलर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन को एक साथ अनबॉक्सिंग, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाइट कलर और ब्लैक कलर दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा बेस्ट लगता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ओप्पो A31 का फुल अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों को देखना हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले जो ये ब्लैक कलर है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं व्हाइट कलर को ओपन करूँगा। इसका प्राइस जो है 11,490 रुपये रखा गया है, और ये फिलहाल एक वेरिएंट में ही लॉन्च करा गया है, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ। इसके साथ में दिए गए कंटेंट्स है सिलिकॉन केस, कुछ डॉक्यूमेंट्स, और एक आपको 2 एम्पीयर 5 वोल्ट का ट्रेवल अडेप्टर, और साथ में एक आपको यहाँ पे USB 2 माइक्रो USB डेटा केबल। तो चलिए फिलहाल इन सब चीज़ों को मैं साइड कर लेता हूँ, और ये रहा आपका ओप्पो A31 ब्लैक कलर में। अभी मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे रखता हूँ, और ये रहा ओप्पो A31 वाइट कलर में, तो मैं इसको भी ओपन कर लूँ और इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आपको एक्सेसरीज तो यहाँ पे सेम ही मिलता है, चाहे ओप्पो का ब्लैक फ़ोन लो वाइट फ़ोन लो, एक्सेसरीज आपको वाइट कलर में ही देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेवल अडेप्टर दे रखा है, और एक आपको USB 2 माइक्रो USB डेटा केबल दे रखा है। तो चलिए इन सब चीज़ों को फिलहाल साइड करते हैं, और ये रहा हमारा ओप्पो A31, तो फिलहाल इसे भी हम लोग साइड रखेंगे और बॉक्स कंटेंट को हम लोग साइड कर लें, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर जो ये आप फ़ोन देख रहे हैं तो ये ब्लैक कलर में आता है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये आपका ब्लैक कलर में है, और आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है पीछे में, और ठीक आप यहाँ पे ओप्पो का ब्रांडिंग दे रखा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपको ग्लोसी फिनिश के साथ मिलता है, और ये काफ़ी साइन कर रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको पकड़ने के बाद आपको थोड़े फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और ये रहा ओप्पो A31 का वाइट कलर, तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस पर लगे हुए जो स्टिकर्स है इसको मैं निकाल लेता हूँ, और ये आप देख सकते हैं ओप्पो A31 का वाइट कलर। तो यहाँ पर जो है ये आपको मेट फिनिश के साथ आता है, और ये वाइट कलर है, और बट लेकिन आपको ये पूरा वाइट नहीं लगता, इसमें आपको हल्का ग्रीनिश टाइप को देखने को मिलता है, और डिज़ाइन जो यहाँ पे दोनों सेम सेम आपको मिल जाता है। इसका थिकनेस जो है आपको 8.3 mm का मिलता है, तो फ़ोन आपको यहाँ पे काफ़ी लाइट वेट मिल जाता है, और डिज़ाइन भी यहाँ पे काफ़ी स्लिम मिलता है क्योंकि इसका जो वेट है 180 ग्राम रखा गया है। चलिए अब फाइनली बात करते हैं इस फ़ोन का यहाँ पे कलर का। तो मुझे तो ये वाइट कलर है ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि इस पर पकड़ने के बाद फिंगरप्रिंट भी बहुत ही कम आएंगे, जबकि ब्लैक कलर पे आपको फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज का जो मेन पर्पज़ था इन दोनों ही फ़ोन का डिज़ाइन दिखाना और कलर दिखाना। तो होप करता हूँ कि आप सभी को आज का मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।